दोस्तों फाइनली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं थनौत। थनौत में जो कि गणेश की प्रतिमा, दुर्गा जी की प्रतिमा पूरी बनाई जाती है, आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमा, छोटी छोटी प्रतिमा है, और यहाँ पे प्रेम कुमार करके बहुत ज़्यादा फेमस है, वही पूरी प्रतिमा बनाते हैं, हर टाइप की प्रतिमा। तो चलिए आपको मूर्ति दिखाते हैं किस टाइप की यहाँ पे फिलहाल मूर्तियाँ बनाई जा रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए अभी पूरी प्रतिमा की पूरे रंग कलर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं पूरा। इसको देखिए कितना सुंदर सुंदर प्रतिमा, एक से एक प्रतिमा यहाँ पे, ये देखिए अभी कलर किया जा रहा है, और छोटी बड़ी सब अलग अलग टाइप की प्रतिमा है यहाँ पे। और ये जो अंकल जी, प्रेम कुमार जी नाम है आपका ना अंकल जी? हाँ, तो ये थनौत में सबसे बड़े यही मूर्तिकार हैं, यहाँ पे है, मूर्ति पूरी बनाते हैं गणेश जी के पूरे। ये देखिए कितने पूरे लाइन से पूरा चल रहा है, अभी देखिए पूरा कलर किया जा रहा है, ये देखिए पूरा। तो और चलिए आपको दिखा देते हैं, अभी देख लीजिए छोटी छोटी प्रतिमा, इनको कुछ कलर कर दिए गए हैं, अभी पूरा डिजाइनिंग सजाया जा रहा है पूरा हर तरीके से। ये देखिए पूरा लाइन से पूरी छोटी छोटी प्रतिमा है, ये देखिए गणेश जी के। और ये देखिए कलर हो गया है अपना, बंधन कलर बोल सकते हैं इसको, ऑरेंज कलर। और अभी पूरा काम चल रही है, देखिए कलर किया जा रहा है, पूरा डिजाइन दिया जा रहा है सब कुछ कलर में। तो अभी अंकल जी, ये जो प्रेम कुमार जी हैं, ये अभी अपनी दूसरी दुकान में लेके चलेंगे, ये जाने हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि इनकी एक बड़ी मूर्ति की दुकान है, वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती है, आप सामने देख लीजिए यहाँ पे। और आप जैसे ही आएंगे धनौत में चौक पे ही उनकी शॉप है, और आपको दिखा दें, ये इसी रूट से हम लोग आए हुए थे अंजोरा होते हुए, अंजोरा से अंदर कर देंगे तो यहाँ पे थनौत पड़ेगा, वहाँ से ज़्यादातर 2 या 3 किलोमीटर है। तो पे अंकल जी का एक घर है, यहाँ पे भी एक शॉप है, प्रेम लाल करके मूर्तिकार है पीछे लिखा। आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ, ऐसे में आपको नंबर भी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आप पीछे देख रहे होंगे बहुत सारी मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आपको दिख रही। तो चलिए आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ, ठीक है, प्रेम लाल नाम है उनका, कॉन्टैक्ट नंबर भी डला हुआ है। और ये देखिए आपको बैक साइड से बड़ी बड़ी मूर्तियों को दिख रहा होगा, चलिए अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं बड़ी बड़ी मूर्ति। ये देखिए जैसे दुर्गा जी की भी प्रतिमा बनाई जा रही है, अभी दुर्गा नवरात्रि आने वाला, तो ये देखिए नवरात्रि के लिए तैयारी चल रही है, दुर्गा जी की प्रतिमा है पूरी। और आपको अंदर दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत बड़ी प्रतिमा है सब दुर्गा जी की। अंकल जी अभी हमको रेट बताएंगे सभी गणेश प्रतिमा का, क्या क्या रेट है यहाँ पे, तो चलिए अंकल जी बताइए आप। जी 300 का है, जी 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 जी, 700-800 जी, ये पड़ेंगे आपको 2000-1500 में दे देंगे जी। क्या है इस साल की स्थिति थोड़ा सा डाउन है जी, इसलिए अपनी माल तो कम से कम खप जाए, बना तो लिए हैं, खर्चे के लिए 1000 है, 1200-1500 दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए सभी इस टाइप की अच्छी सुंदर प्रतिमा गणेश जी की, ये देखिए पूरी बहुत अच्छी से सुंदर प्रतिमा है पूरी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप आराम से आके खरीद सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मूर्ति सुंदर, ये देखिए। और इधर भी गणेश जी की प्रतिमा सब अलग डिजाइन में, अलग पोशाक पहनाए गए हैं, सब अलग अलग, ये देखिए पूरा। एक और उनकी गोडाउन है जहाँ पे पूरा रिपेयर, मतलब गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है, दुर्गा जी की प्रतिमा बनाई जाती है, यहाँ पे बड़े बड़े प्रतिमा है, छोटे भी नहीं है, आपको सामने दिख ही रहा होगा कि एक गणेश जी की प्रतिमा ये बड़ी सी है। अभी इसमें कलर नहीं किया गया, इसमें डिजाइनिंग मतलब बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया, इसमें अभी कलर किया जाएगा, इसमें पोशाक पहनाया जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे अंदर पूरा काम चल ही रहा है कंटिन्यू। यहाँ पे छोटी छोटी भी प्रतिमा है, झूले में भी बैठे हुए हैं अपने गणेश जी, ये आसन। और ये देखिए यहाँ पे अभी कलर किया जा रहा है, कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप सामने देख लीजिए, ये देखिए अभी कलर नहीं किया गया, खाली अभी इसको डिजाइन में बना दिया गया है। ये देखिए पगड़ी पहने हुए गणेश जी हैं, और ये इधर एक और है, सब अलग अलग, और ये डिजाइन और कलर किया जा रहा पूरा, सकते ये पूरी प्रतिमा तैयार हो चुकी है, इनको पैक कर दिया गया पन्नियों से, ये देखिए। और कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए गणेश जी की प्रतिमा पूरा लाइन से पूरी तैयार हो चुकी है। उधर एक देखिए आप झूला में बैठे हुए हैं, तो 4 फीट के बोल दिया है। तो दोस्तों ये देखिए कितना सुंदर सुंदर प्रतिमा पूरी तैयार है, ये देखिए। और यहाँ पे अभी कलर किया जा रही है, देखो भाई साहब कलर कर रहे हैं यहाँ पे पूरा। और चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर भी किस टाइप की, ये पूरी तैयार हो चुकी है। ये देखिए अभी इसको कलर किया जाएगा, एक प्रतिमा बनाने में, बड़ी प्रतिमा बनाने में 15 से 20 दिन लगते हैं इनको स्टार्ट, मतलब जो प्रतिमा कलर करके पूरा डिजाइन करके पूरा सुंदर तरीके से सजाने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं, ये देखिए पूरा। जो
जो ब्लॉग है गणेश प्रतिमा की, आपको मूर्ति दिखाने आए थे, कहाँ पे बनती, क्या बनती और किस टाइप का डिजाइनिंग किया जाए, सब चीज़ें। ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।